मेरे मामा से कही उन्हें हमने गाड़ी और एफडी चाहिए है, फिर उनकी हाथा पाई होगी, हाथा भी जोड़े मेरे मामा और ने फिर मैं। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आई हैं दिनोद गांव में और हालत देख लीजिए इस बेटी की, जिसके जो घर की दहलीज से बारात है वो उल्टी चली गई थी, वो भी जब बेटी में कोई खोट नहीं था, बिटिया में कोई भी दोष नहीं था, और आज उस बिटिया ने इस बात को मन पे ले लिया है और बैठने की भी हालत में नहीं है। बेटी से बात करेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा है, क्योंकि बहुत संस्कारी बेटी, हमने गांव गांव में बात की है, बताई जा रही है कि कोई ऐसा दोष नहीं है बिटिया के अंदर, लेकिन फिर भी ये स्थिति क्यों पैदा हुई ये थोड़ा सा बेटी से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बेटी बोलने की हालत में नहीं है तो बात करना। जी 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 तो हाँ, राम राम बे, राम राम। अपना शुभ नाम बताओ बे। ममता। ममता, तो बेटा किस तरह यू होया, मतलब ऐसा की कारण रहा कि यू होया है? मैं भीतर थी जी, कहीं उन्हें हमने गाड़ी और एफडी चाहिए है, फिर उनकी हाथा पाई होगी, हाथा भी जोड़े मेरे मामा और ने फिर मैंने बोले हमने तो गाड़ी एफडी चाहिए, इसलिए हम रात लेके उल्टे जावांगे, फेरे कौन लेवा। अच्छा, आप कितने सालों से मामा के यहाँ रह रही हो? मैं पैदा ही यही हुई थी, पैदा यही हुई थी, यही बचपन से यही हो। हाँ। तो मतलब किस तरह की खुशी मन में थी आपका ये होने से पहले, कि आपने सोचा था कि ये इस तरह देश के लोग निकलेंगे? नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं मांगा था उनने, एक नरियाड़ा एक रुपया मांगा था बस। अच्छा, बीच में ये भी सुना है कि यहाँ से 8-10 बार यहाँ आए गए हैं, मतलब आवागमन लगे रहा था, क्या पहले भी इस तरह कोई बात आई है? जी नहीं, कभी कोई बात नहीं आई है। तो ये सारी डिमांड कब से शुरू हुई? लगन लेके गए उस दिन भी उन्होंने ये कहा कि हमने ये सामान नहीं चाहिए, हमारे लेवल का नहीं है। जी जी। अच्छा बिनु बताओ, पहले लड़के से पहले से ही बात होती थी क्या आपकी? नहीं, मैंने कभी बात नहीं की उससे। आपने ये अब आप अपने आप में ये अपने आप में सही मानो भाई, पहले ऐसे ही मतलब तो बेटा इतना डिप्रेशन में क्यों हो आप? देखो जो है ना, बहुत गलत है मानना एक लेडीज का तौर पर, दर काम अपना आपने देखा ना, लेकिन आप ये देखो आपका भविष्य है वो भी खतरे में पड़ सकता था। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, आप मतलब इसमें बेटर मानो, बेस्ट मानो, अपने आप में लक्की हो। उन्ने तो सजा मिलनी चाहिए, उन तीती दरखास्त भी ना उठी है मेरी के बात से। बेटी की बात सुनो आप, ये क्या कह रही है बेटी? कह रही है कि सजा मिलनी चाहिए, क्या कह रहे हो बेटे आप? मैं उन्ने चाहूँ वे जेल में होने चाहिए, वे इतनी उठाए क्या तक होनी है। हम गरीब हो गए जी, कोई सुनवाई नहीं होगी जी, मतलब अमीर आदमी हो जी बहुत जल्दी हो जाए, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप ये कहना चाहो। हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये है जी, जो सामान था वो भी आगे दे दिया गया, और बाद में जो अपना पैसा भी लग गया, और जो अपने जो शादी वो भी रुक गई। हाँ। यानी डबल नुकसान हो गया। तो मतलब बेटा आज सामान वो वहीं पड़ा है? वहीं उनके घर पे ही है। अच्छा, और पुलिस प्रशासन में आप गए हो कि आपके बयान दर्ज करवाए हैं? बयान तो दर्ज करवा रखे, पर दरखास्त तो उठी नहीं है। कोई दरखास्त मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? है, है। तो आप गए हो, आपने क्या पूछा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? वे तो कह दे है जी, करांगे जी, करांगे, पर कुछ नहीं कर रहे जी अब तक जी, 5 दिन हो गए है जी। या कल उठा लेंगे, लेकिन या जनता जो देख रही है बेटा, या देख रही है, क्या कहना चाहोगे इस तरह के देश के लोभियों को क्या सजा होनी चाहिए? कड़ी तो कड़ी सजा होनी चाहिए। आज हमारी बहन बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ होएगा। आज हमारी बहन बेटी के साथ में हुआ, कल किसी और बहन बेटी के साथ भी होएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। परंतु प्रशासन है कि अब तक कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रहा। हमें आज 27 तारीख हो गई और 23 तारीख की ये घटना है, लगभग 5वां दिन चला हुआ है। आज हम तो वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि आज पैसे वाले की जीत हो रही है, गरीब की जीत नहीं हो रही। तो आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की सर? हाँ जी, बहुत प्रशासन से बातें की। कल हम ASP के गए थे और परसों SHO के गए थे, 24 तारीख को हमने SHO साहब के FIR भी की है, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपने पूछा नहीं जवाब में सर, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? जी पूछेंगे क्या? पूछा है तो कहते हैं कि हम करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं, परंतु आश्वासन देने से क्या होगा? वे तो आज तक खुले घूम रहे हैं, आज वे उन्होंने किया, कल उनकी देख हम देख, कोई और अमीर भी गरीब के साथ खिलवाड़ करेगा, और गरीब के घर में ऐसे तो फिर बहन बेटियां हैं, उनकी शादी होगी ही नहीं। अच्छा, एक मामा के तौर पर भाई की कहना चाहोगे कि बिटिया के साथ ऐसा हो जब मामा पूरी जी जान ला दे है और अंत में इसे मिल जाए है, की कहना चाहोगे? और ये बिटिया है इतना दिल पर ले रही है बेटी, की कहोगे आप? हमें तो बेटी ने यही कहना चाहते हैं
कि मतलब जो होना था वो हो गया, ठीक तेरे लिए बस अच्छा ही हुआ, क्योंकि अच्छा आज अगर उनके घर में चली जाती तो क्या पता आज हमें जिंदगी भी ना मिलती, क्योंकि आज इतना दहेज के लिए उन्होंने ये किया है, छोड़ के ही चले गए, कल ना वे दबाव में आकर फेरे भी ले लेते तो क्या पता वो कल दहेज के लिए मार भी देते लड़की को, इस हद को भी पार कर देते वे। उनकी नज़र में तो कोई इज्जत का है ही नहीं सवाल, क्योंकि अगर इज्जत ही होती उनकी नज़र में तो हमारी इज्जत को मिट्टी में नहीं रौंदते थे। अच्छा सर ये बताइए, जो आपने सामान जैसे दिया जी, था, तो अभी वो सामान वापिस आ गया या नहीं आया? जी हमारे पास वापिस कुछ भी नहीं आया है। अभी कितने लाख का सामान? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का हमने सामान दिया हुआ है। टोटल खर्चा तो देखो जी अभी नहीं अंदाजा आ रहा, लगभग हमारा 3-4 लाख कुछ हो चुका होगा, 4 लाख के करीब तो हो गया होगा, 4 लाख से ऊपर बुलाए हो। सामान की लिस्ट है सर आपके पास? हाँ जी है ना, सामान की लिस्ट है भाई साहब के पास में है। देखो जी मैं तो नेत्रहीन हूँ, मेरे भाई साहब के पास होगी। हाँ तो ये बेटी जी जी मोटा-मोटा तो इस बेटी की देख लो, लगभग सारी बात आपने बताया दिया है, लेकिन इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेवार कौन है बेटियों को? आज सोचने की बात है, आज पढ़ा लिखा समाज हो रहा है, इतने एडवांस लोग हो रहे हैं, उसके बावजूद और कहा ये जा रहा है कि वकालत की जो पढ़ाई है वो कर रहा था। ये देखो बेटी है ना, लेटने की भी हालत में नहीं, उसको भी मामी ही लेटा रही है, तो इस हालत का जिम्मेदार कौन है? और ये तब हो रहा है जब कानून के रखवाले, कानून के जो सलाहकार है, मददगार है, जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और तो फिर जो बड़ी बड़ी नौकरी उहदों पे वो क्या करेंगे, तो और दहेज के लोग भी क्या करेंगे, और समाज क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज पर प्रश्न चिन्ह है। क्या कहना चाहोगे आप, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि ऐसे दहेज के लोभियों को क्या सजा होनी चाहिए। मामा जी जी क्या सामान था सर बताना? सामान हमारा था जी, डबल बेड था, सोफे थे, वॉशिंग मशीन थी, सिलाई मशीन थी, और शीशा अलवारी, और जो मतलब रोज़मर्रा का सामान था जी, बर्तन वगैरह थे, कपड़े थे, और जैसे जूस मिक्स थी, ये सब मतलब मोटा मोटा सामान था जी। अच्छा एक बात और है जब भाई, मैं कहना चाहूंगी आप उसने भी थे जी। अच्छा लगभग आप कह रहे 2 लाख का सामान दिया, 2-2.5 लाख, क्या अगर आप 2 लाख रुपए के एफडी करवाते क्या वो मान जाते 2 लाख? मुझे तो नहीं लग रहा जी मान जाते हुए, क्योंकि अभी मतलब इतना लालच आ गया था उनके मन में, अगर हम 2 लाख दे देते तो फिर वे और भी मांगते, ऐसे में हमारी लड़की की शादी हो जाती है तो फिर उसे और टॉर्चर करते, कहते कि आज ये लेकर आओ, आज ये लेकर आओ। हम तो मतलब ये हो गया था कि उन्हीं का देने में रह जाते, अगर दे नहीं पाते तो हमारी लड़की को शायद वे मार भी सकते थे। एक बात और भाई साहब, देखो सामान भी दे दिया और वापस भी नहीं दे रहे, ये तो कमाल की बात होगी। हाँ जी हाँ जी, वापिस भी नहीं है, वहीं पर रखा हुआ। क्या कोई गया है वहाँ पंचायती तौर पर यहाँ से? नहीं जी अभी वहाँ पर ना ही तो उनका कॉल आ रहा है हमारे पास, उनका कुछ कॉल भी नहीं आया। कॉल तो उन्होंने करना चाहिए ना, क्योंकि लड़की तो हमारी छोड़ के जा रही है ना वे। हम वो कॉल करे ना करे, लेकिन पुलिस प्रशासन में क्या, पुलिस प्रशासन थाने में तो हम गए हैं, दोनों तरफ से बुलाए गए हैं ना जी, वे नहीं बुलाए गए हैं अभी तक। क्या करे पुलिस प्रशासन वगैरह।